दुनिया में कोरोना का कहर है। हर देश कोरोना वायरस के इस कहर से निपटने में जुटा है। वहीं भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कोरोना वायरस के साथ साथ तबलीगी जमातियों से भी जूझ रहा है। भारत के सामने चुनौती दोगुनी है, पहला कोरोना से निपटना है तो दूसरा इन जमातियों को भी नियंत्रित करना है। अगर भारत में इन जमातियों ने कोरोना के एजेंट का काम नहीं किया होता तो भारत में स्थिति बेहतर होती। तबलीगी जमात के जमातियों ने भारत में कोरोना वायरस को फैलाने में बड़े पाप किए हैं, क्योंकि सबसे बड़े 10 पाप। पाप नंबर 1, कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया। पाप नंबर 2, जानबूझकर दरगाहों मस्जिदों में छिपे रहे। पाप नंबर 3, सरकार प्रशासन का सहयोग नहीं किया। पाप नंबर 4, डॉक्टर पैरामेडिक नर्स और बाकी स्टाफ के साथ बदतमीजी की। पाप नंबर 5, कोरोना के खिलाफ सरकार की कोशिशों पर पानी फेरा। पाप नंबर 6, देश के कोने कोने में कोरोना एजेंट बनकर संक्रमण पहुंचाया। पाप नंबर 7, कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझा। पाप नंबर 8, सोशल मीडिया पर कोरोना मामलों और स्थिति का मजाक बनाया। पाप नंबर 9, करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। पाप नंबर 10, मानवता के साथ खिलवाड़ किया। कोने कोने में कोरोना को फैलाने वाले जमातियों के इन मामलों को धार्मिक उन्माद कहें या फिर उनका पागलपन, इन पापियों की वजह से आज भारत के हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। सरकार की सारी कोशिशों पर इन पापियों ने पानी फेर दिया है। जमातियों के इन पापों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान में जयपुर पुलिस ने रामगंज इलाके की एक मस्जिद से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग कर्नाटक के रहने वाले और तबलीगी जमात से जुड़े हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए आयोजन के बाद ये जमाती जयपुर आए थे। पुलिस और प्रशासन तबलीगी जमातियों से छिपने के बजाय आगे बढ़कर अपनी जांच करवाने का आग्रह कर रहे हैं। इसके बाद भी ये सभी लोग मस्जिद के अंदर छिपे थे और बाहर ताला लगा था। राजस्थान में 538 तबलीगी जमातियों के आने की सूचना इंटेलिजेंस को मिली थी। मंगलवार को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर इन्हें मस्जिद से बाहर निकाला। पकड़े गए लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए गए। सभी जमातियों की रिपोर्ट 2 दिन में आने की उम्मीद है। फिलहाल सभी को क्वारंटाइन में रखा गया है। राजस्थान में कोरोना के करीब 350 केस मिले हैं, जिनमें से 321 अभी अस्पतालों में भर्ती हैं और 25 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। राजस्थान में मिले कोरोना मामलों में जमातियों की संख्या भी अच्छी खासी है, जिस वजह से राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोरोना से जंग में तबलीगी मरकज के जमातियों ने पानी फेर दिया है। लॉकडाउन का मकसद कोरोना पर काबू पाना था, लेकिन इन जमातियों ने लॉकडाउन में भी कोरोना संक्रमण को फैलाने का काम किया, जिससे लॉकडाउन के दौरान कोरोना के मामलों में कमी आने की बजाय मामले बढ़ते गए हैं। देश के 17 राज्यों में एक सप्ताह के दौरान कोरोना केस में इजाफा हुआ है। देश में मिले कोरोना मामलों में से 30% लोग जमात से जुड़े हैं।